वेरी गुड इवनिंग गाइज वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म तो आज हम लोग अपना जो मिनियेचर्स की कहानी है उसको आगे बढ़ाते हैं ओके okay? सो so, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपना इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर दैट इज द इंडियन पेंटिंग्स तो हम लोग अभी तक कर चुके हैं म्यूरल्स म्यूरल्स के बाद हम पढ़ रहे हैं मिनियचर्स तो मिनियचर्स में अभी तक हम लोग राजस्थान की पेंटिंग्स मुगल पेंटिंग्स ओके okay, और पाला पेंटिंग्स ये तीन पेंटिंग्स देख चुके हैं

ठीक है सो द डेकन पेंटिंग्स ओके तो डेकन की तरफ चल रहे हैं हम लोग यानी कि सदर्न पार्ट की तरफ चल रहे हैं जिसमें अपना जो जितना भी जो अपना जो लोअर एरिया है एंटनी कंट्री का दैट इज द महाराष्ट्र टिल दी तमिल ये सारा एरियाज हम कवर करने वाले हैं ओके सो लेट्स बिगन अप द दिन पेंटिंग्स सो द स्टार्ट विल बी सो वन लाइनर्स जो चीजें आपको लिखनी है आप लोग उसे प्लीज अभी तुरंत लिखते चलोगे द कलर्स ऑफ द डेकन स्कूल पेंटिंग्स आर रिच एंड ब्रिलियंट सो so, सबसे पहली चीज जैसे कि हमने कजरी पेंटिंग्स वगैरह में देखा था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ चारकोल या काजल का इस्तेमाल हो रहा था तो ये वैसे पेंटिंग्स नहीं है हमारे ओके ये बहुत ही रिच और बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंशियल कलर्स होंगे अब तक में हमने जितनी भी पेंटिंग्स देखी है लेट से फॉर एग्जांपल मुगल राजस्थानी या पाला उनकी कई पेंटिंग्स से ज्यादा जो एक मतलब अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है मतलब कि ये वो पेंटिंग्स हैं जिनमें कलर्स भर भर के रखे गए हैं मतलब सारे कलर्स का इस्तेमाल किया गया लाइक फॉर एग्जाम्पल शाहजहां के टेम्परेट में देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर लेकर आओ जहांगीर ने बोला बस नेचर बनाओ शाहजहां ने फिर उसके बाद बोला कि नहीं ज्यादा जो है वो प्यार मोहब्बत की पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया उन्होंने ओके okay. या, या पाला स्कूल में हमने देखा कि जैनिज्म रिप्रेजेंट हो रहा था ओके okay. या फिर फाड़ा पेंटिंग्स में हमने देखा था कि काली खाली हीरोइज्म या गैलोर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था ये जो अपनी डेकन पेंटिंग्स हैं इनको ना पूरी तरीके से रिच पेंटिंग्स के तरीके से रिप्रेजेंट कराया गया रिच नहीं कि पैसे वाली पेंटिंग है जाएगा। और ये पेंटिंग देखकर आपको भी लगेगा कि मतलब इसमें कोई भी कसर छोड़ी ही नहीं है विद रिगार्ड टू कलर्स ओके सब कुछ इस्तेमाल किया यहां पर हमने सो द कलर्स ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग आर रिच एंड ब्रिलियंट इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न पेंटिंग्स यूनिक फीचर्स ओके सो यूनिक द यूनिक फीचर्स ऑफ द डेक इन पेंटिंग ऑफ दाइनटीन सेंचुरीज़ आर विटनेस्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथनिक टाइप्स ओके सो ये एथनिक है लैंडस्केप यानी कि इन्होंने जो है नॉर्मल नेचर फोटोज कॉस्ट्यूम्स ज्वेलरी फ्लोरा फोना एंड कलर्स मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा मतलब अभी तक समझ लो जो पालाज में दिख रहा था आपको या जो आपको मुगल्स में या राजस्थानी में दिखा है अलग अलग वो सब कुछ आपको अब एक छत के नीचे यानी कि अंडर वन रूफ मिल जाएगा दैट इज पेंटिंग्स ओके पेंटिंग्स जितने भी यानी कि डेकन पेंटिंग्स जो हैं वो सब यहां पर मिलेंगी तो वो एथनिक भी होंगे उनके अंदर ढेर सारे कलर्स भी मिलेंगे फ्लोरा एंड फोना यानी कि पूरा नेचर भी मिलेगा साथ ही साथ ज्वेलरी भी दिख जाएगी हमें नेचर भी दिख जाएगा और सारे टाइप के कॉस्ट्यूम्स भी दिख जाएंगे इन टू दिन फीचर ऑफ पेंटिंग्स ऑफ दिन सेंचुरी आर ऑब्जर्व इन दी ट्रीटमेंट ऑफ एथनिक टाइप्स कॉस्ट्यूम्स ज्वेलरी फ्लोरा एंड फोना एंड एवरीथिंग ओके सो दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू नोट इट डाउन ओके सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि जो अलग जो है हमारा वो क्या है कि इनमें पूरी तरीके से जो है वेशभूषा आभूषण वनस्पति जीव ओके okay, इन सब को यहां पर दर्शाया गया है ओके इज नथिंग इज लेफ्ट ईच एंड एवरी पोर्शन इज कवर्ड ओके गाइस थैंक यू शुभम इंडियन सोसाइटी की क्लास हुई नहीं ओके okay? वो हम दोबारा से रिशेड्यूल करेंगे जस्ट प्लीज डोंट वरी डिस्टिंग्विस्ट फीचर ऑफ डेक पेंटिंग्स का रीजन क्या हो सकता है ओके सी व्हेन इट कम्स टू डेकन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट वी आर जस्ट नॉट डीलिंग विथ वन कल्चर ओके राजस्थान में हमने सिर्फ राजपूताना कल्चर देखा ओके okay? मुगल्स में हमने सिर्फ मुगलई कल्चर देखा ओके या फिर पालाज में सिर्फ पाला कल्चर देखा जब हम डेक्के पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे मैसूर कल्चर थंजावुर कल्चर ओके मराठा कल्चर ओके और उसके बाद से जो तमिलियन कल्चर ये हम सब एक साथ एक छत के नीचे देखेंगे ओके, सो द होल ऑफ द साउथ इंडियन कल्चर अब जब भी हम बात करते हैं देखो एक बहुत एक अलग स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट है वेन एवर वी हैव टू रिप्रेजेंट द इंडियन कल्चर ओके देखो इंडियन डायनामिज्म जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं लेकिन जब भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंडियन कल्चर को देन वी रिप्रेजेंट ददर्न पार्ट ओके okay, कभी भी देख लो जो भी इंटरनेशनल फोरम्स के जो भी आप आइकन इमेजेस देखोगे अगर वो आ, वो कल्चरल सेशन है कोई सा भी तो वहां पर इंडिया का जो भी इमेज होगा वो या तो अपना कोई मॉन्यूमेंट का होगा लेकिन मॉन्यूमेंट के बगल में आप हमेशा फोरशोर sure देखोगे कोई एक कल्चरल एक्टिविटी जो कि नॉर्थ इंडियन एक्टिविटी नहीं होगी गारंटीड है ये कि वह साउथ इंडियन का एक्टिविटी होगी लाइक like, बारात और शादी जब भी इंटरनेशनल फोरम में हम दिखाते हैं तो अपने सदन कल्चर का दिखाते हैं ओके पूजा वगैरह वगैरह आरती जो भी है या टेंपल्स वगैरह की हम जब भी बात करते हैं, की जब बात आती है तो इट इज नॉर्दर्न इंडिया एंड वेन इट कम्स टू दी कल्चर एंड कल्चरल सदर्न इंडिया ओके सो द मेन रीजन सो अभी हम चलते हैं अपने डेक्कन पेंटिंग्स में आगे की तरफ सो डेक्कन स्कूल डेवलप्ड बिटवीन 16th एंड 17th सेंचुरीज अर्ली सेंटर्स ऑफ देयर ग्रोथ वर ओके जहां से दक्कानी पेंटिंग डेक्कन पेंटिंग्स की शुरुआत हुई है द एरियाज आर अहमदनगर बीजापुर एंड गोलकोंडा ओके सो थ्री एरियाज आर देयर फ्रॉम वेयर द दक्कानी पेंटिंग्स द डेक्कन पेंटिंग्स दे ग्रू ओके सो दे आर अहमदनगर बीजापुर एंड गोलकोंडा ओके द बैग बी ए जी ओके सो द बैग ऑफ देंटिंग्स ओके बैग मतलब ना बैग जिसमें आप सर अपना सामान बुक्स बुक्स लेकर स्कूल वगैरह जाते थे है ना सो बैग ओके सो बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा ओके बी ए जी ओके सो द बैग Of the Deccan paintings, Bijapur, Ahmednagar, Golconda. Okay, the bag, right? Okay. abhi moving next. So the Deccan paintings initially absorbed influences, absorbed influences of the northern tradition. ऑफ दी प्री मुगल पेंटिंग्स ऑफ मालवा एंड दी दर्दर्न ट्रेडिशन ऑफ द विजयनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग द कलर्स ऑफ स्कूल पेंटिंग्स आर रिच एंड एंड ब्रिलियंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ दो नॉर्दर्न पेंटिंग सो इनिशियल इनका जो इंफ्लुएंस था वो कहां से मिला है विजयनगर एम्पायर से और मुगल से ओके सो द इनिशियल इंफ्लुएंस ओके द इनिशियल इंफ्लुएंस when you talk about the initial influence of the deccan paintings so for sure okay the mughal and pre mughal era the mughal era and pre mughal era specifically of the malwa plateau away the malwa region that is the central india you can call it okay and apart from that the vijayanagar empire aap jab apna medieval history padhoge तो उसमें आपका चैप्टर आएगा द दर ऑफ विजयनगर ओके द विजयनगर किंग द विजयनगर एम्पायर जिसने एक टाइम पीरियड में पूरे साउथ इंडिया को कंसोलिडेट किया था अपने हाथों के अंदर ओके okay? अब इसी विजयनगर नगर एंपायर से इंस्पायर होकर कई अलग एंपायर बने और इसी का ट्रेडिशन इसी का कल्चर हम देखते हैं अपनी जो डेकन पेंटिंग्स है उसमें नजर आएगा ओके सो दर्ज इंफ्लुएंस इट वॉज द प्री मुगल ऑफ मालवा एरिया एंड ऑफ द विजयनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग ओके क्लियर गाइस सो आप देख सकते हो यहां पर पे इस पेंटिंग का एक नजारा दिस इज वन ऑफ द्स ऑफ देंटिंग सो वॉट इज डिफरेंस यू कैन वॉट इज वॉट इज वन डिफरेंस यूर वॉचिंगन वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेंटिंग का रिच कलर रिच कलर अभी तक हमने देखा था शाहजहां के टाइम पीरियड पे जो आपको लग रहा हो जो है, say, uh, okay? like, या अपार्ट फ्रॉम दैट वी कजली पेंटिंग्स ओके या फार पेंटिंग्स की हम बात करें जब भी ओके okay? सो so, इन सब पेंटिंग्स का एक नजारा देखो उसके बाद से अब हम चलते हैं अपने यहां पर डेकिन पेंटिंग्स ओके So, आपको एक डिफरेंस नजर आएगा द मोर क्लैरिटी है ना अभी तक समझ लो हम जो फोटोज ले रहे थे वो वीजीए कैमरा से ले रहे थे में ना हम फोटोज लेने लगे डीएसएलआर से ओके सो डिफरेंस बस यही आएगा ज्यादा हाई डेफिनेशन ओके एच डी लाइक फॉर एग्जाम्पल वेर इज हैदराबाद साउथ हैदराबाद को क्या किया एकदम एच डी है ना तो साउथ लाइक फॉर एग्जाम्पल साउथ की जो भी मूवीज आप देखोगे तो उनका ग्राफिक्स अलग ही दिखाते हैं वो क्योंकि वो मतलब एक तो सबसे पहली चीज तो उनका जो एक्शन सीन है लाइक अगर आप रवि तेजा की मूवीज देख रहे हो या अपने रजनीकांत साहब की मूवीज देख रहे हो है ना या कमल हसन साहब की मूवीज देख रहे हो या कोई भी एक्सपेजेड जो हमारे डैशिंग रॉकिंग स्टार्स हैं अपने सदर्न इंडियन अपने टॉलीवुड के तो उनकी मूवीज में आप देखोगे की एक्शन बहुत ज्यादा होता है मतलब इंसान और गाड़ियां हवा में उड़ रहे होते हैं रोहित शेट्टी साउथ की मूवीज देखकर सोचता है कि यार मैं तो अभी एल में हूँ है ना मेरे को तो अभी कुछ आता ही नहीं है राइट क्यों क्योंकि हम वहां पे एक्शन बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं सो इसलिए वो ज्यादा हाई डेफिनेशन होंगे हमारे लिए कोई सी भी मूवीज राइट सो हाई डेफिनेशन मूवीज तो यानी कि ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन यानी कि ज्यादा बेहतरीन क्लैरिटी okay, so, इन दी पिक्चर्स ओके गाइस सो इट इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल रोहित शेट्टी ऐसा नहीं सोचते होंगे है ना ऐसी कोई बात नहीं है जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग कि जो सदन पेंटिंग्स होंगी आपको जो डेके पेंटिंग्स आप देखोगे उनमें आपको क्लैरिटी ज्यादा नजर आएगी विथ रिगार्ड टू कलर्स फेस इन लाइक लुक इन जस्ट लुक इन द फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेडी ओके okay, अगर आप इनके पर्टिकुलर फेस को देखोगे सो इट इज मोर रियलिस्टिक देन देन दैट ऑफ एनी पेंटिंग्स दी और मुगल्स, ओके यू विल फाइंड मच मोर क्लैरिटी राइट गाइस? सो समझ लो पिछली पेंटिंग्स जो है वो हम वीजीए कैमरा से क्लिक कर रहे थे अब वाली जो पेंटिंग्स हैं वो हम कहां से क्लिक करने लग गए डीएसएलआर से ओके एवरीवन राइट सर हाँ रामचरण ये सर ने कितना करवा दिया अभी तक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टू एंड ऑफ द इंडियन पेंटिंग्स अरे छोड़ो एक्शन आ जाओ अब ओके हमें मैं बहुत मूवीज देखता हूं बिग मूवी बग है ना ओके okay. यार फार पेंटिंग्स के इमेजेस दिखाए थे यार क्या बात कर रहे हो दिस इज फार पेंटिंग्स राइट सो वी हैव गॉट दी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आर पेंटिंग्स ओके सो चलिए आगे चलते हैं सो so समझ पा रहे होंगे आप लोग ये सब वीजीए कैमरा था ज्यादा फ्ले फेस क्लैरिटी और ज्यादा कलर क्लैरिटी नहीं थी यहां तक हमारे पास ओके okay. अब हमारे पास देखो फेसेस यहां भी दिखाए गए हैं लेकिन अभी भी आपको इसमें थोड़ा सा कार्टूनिश इफेक्ट दिख रहा होगा ओके okay. यहां तक में अभी भी आपको कार्टूनिश इफेक्ट दिख रहा होगा इनफैक्ट द पेंटिंग्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां एंड जहांगीर शाहजहां की और इनकी बात तो ना ही करना अलग है तो यहां पर भी ना फेस को ना थोड़ा अलग वे में रिप्रेजेंट कराया जा रहा है तो आप देख सकते हो आंखें बड़ी दिखाएंगे नाक अलग ही दिखाएंगे सो उतना रियालिटी नहीं दिखा रहे थे ये फेस फेस वाइज वाइज टॉकिंग बाकी सब चीजों में तो पूरा रियालिटी इन्होंने एक्सप्रेस किया है जस्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फेस एंड ऑल ओके सो हियर यू विल सी मच मोर ओके हाई डेफिनेशन ओके इन टू दिन एरिया एरिया ऑफ डेकन दट इज दिन पेंटिंग ओके गाइस समझ पा रहे हो डिफरेंस यप सितार की फेंसिंग क्या है गजब बहुत गजब है चलो अभी देखो नहीं अभी आपके जहन में ना एक सवाल आ रहा होगा कि सर शाहजहां के टाइम की जो पेंटिंग्स थी उनमें भी तो फेस क्लियरेंस ज्यादा था है ना बिल्कुल ज्यादा था लेकिन फिर भी उनको ना थोड़ा सा पेंटिसाइज किया जा रहा था ओके okay? लेकिन यहां की जो पेंटिंग्स होंगी इनमें बिल्कुल आपको ये ना फेस वगैरह अगर किसी के अगर देखो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी क्लियरली द चीक्स ऑफ दिस लेडी है ना तो इनको आप देख सकते हो कि इनको थोड़ा सा ज्यादा मोटा दिखाया गया है ओके okay? क्योंकि ये किसी एक्चुअली में उस टाइम की कोई लेडी होंगी जिन्होंने पेंटिंग की होगी जो यहां पे ऐसे सितार लेकर खड़ी होंगी और जिनके चीक्स एक्चुअली में थोड़े से मोटे होंगे सो दिस लेडी नीड्स टू वर्क ऑन द डाइट ओके थोड़ा सा इनको मोटा है अभी है इनको पतला होना पड़ेगा सो दिस इज दी लेवल ओके दैट इज हाई डेफिनेशन ओके गाइस सो चलिए आगे चलते हैं अपने डेकिन पेंटिंग्स uh, के अंदर अब देखते हैं यहाँ के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने के लिए और कौन कौन से हमारे अलग अलग घराने हैं जो मिल जाएंगे ठीक है

तो चलो शाहजहां जहांगीर अकबर इन सब का नाम याद रखना बड़ा आसान है लेकिन फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन सम अदर नेम्स लाइक राजा मान सिंह राजा सावंत सिंह है ना जब बात आ, करी गई किशनगढ़ और बने ठनी पेंटिंग्स की तो इन लोगों का रूलर्स का नाम याद रखना ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजन बींग ओके रीजन बीइंग इनसे आने वाले क्वेश्चंस लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से यार चलो मूवीज uh, का एग्जांपल ले ही लेते हैं हम लोग खास तौर पे आम तौर पर ठीक है तो मूवीज का एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर मूवी है मैंने नाम लिया बॉम्बे वेलवेट आपको उसका एक्टर याद होगा एक्ट्रेस भी याद होगी बट पॉइंट इज कई बार यह भी आ जाता ना यार ये किस डायरेक्टर की मूवी है समटाइम्स द मूवी इज नोन मोर बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टर बट जस्ट मोर बिकॉज ऑफ डायरेक्टर, ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट प्रकाश झा प्रकाश झा मूवीज थोड़ा रियलिस्टिका है, है इनका नाम ज्यादा है मोर देन दैरेक्टर्स इन हिस्स मूवी बिकॉज हम देखते हैं डायरेक्टर कौन है, है करण जोहर है मधुर भंडारकर है यह सब कौन लोग है ये सब ऐसे लोग हैं जिनके नाम मतलब अलग हैं हम बाकी सभी डायरेक्टर्स को नहीं जानते लेकिन इन डायरेक्टर्स को जानते हैं बिकॉज इन लोगों ने कुछ अलग तरीके से इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कराया है ओके सो इसीलिए कभी कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मत देखो कि पेंटर कौन है किसने पेंटिंग बनाई है नॉट इंपॉर्टेंट दैट एज ऑफ नाउ ओके बट यस इसका डायरेक्टर कौन है यानी कि इसका संस्थापक कौन है इसका, इसका कौन है तो उसमें जब भी हम बात करते हैं पहला पॉइंट सो लेट्स से वी आर डिस्कसिंग अबाउट अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग सो इट इज हुम द निजाम शाह वन ओके okay? हु निजाम शाह वन अभी ऐसा लग सकता है आप लोगों की सर मतलब ये डिफिकल्ट होगा हमारे लिए लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज अश्योर करूं द मोमेंट यू रीच इंडियन मिडिवल हिस्ट्री ये सारे नाम आपको मिलेंगे वहां पे निजाम शाह है ना अहमदनगर जब आप आ, बात करोगे ऑफ अहमदनगर और दी एम्पायर ऑफ अहमदनगर ओके विजयनगर एम्पायर के बाद जब आप अहमदनगर के अंदर एंटर करोगे मैसूर वगैरह को पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेंगे ये ओके निजाम शाह वन तो जब निजाम शाह वन आप इंडियन हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे तो याद रखना निजाम शाह वन वॉज एस्टैब्लिशर और द ग्रेटेस्ट पैट्रोनाइज दैट्रॉन ऑफ द अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग ओके गाइस, सो अहमदनगर निजाम शाह क्लियर प्लीज लिखते चले <coughs> चलो अगला पॉइंट द सिग्निफिकेंट इलस्ट्रेटेड मैनस्क्रिप्टेड इज तारीफ हुसन शाही ओके okay? तारीफ हुसन शाही अब ये एक ऐसा नाम है जिसे याद रखना डिफिकल्ट नहीं है ओके दिस इज अ नेम तारीफ ओके अभी मैंने बोला कि मैंने किया है तारीफ हु तो किसका तारीफ किया है अभी हमने यहां पर ये यह जो लेडीज इनकी पेंटिंग तारीफ है ना तो आपने सॉन्ग भी सुना होगा तारीफा आता है ना किसी चीज की बड़ाई करना है तारीफ करना है तो हुस्न दैट इज ब्यूटी तो हुस्न दैट इज ब्यूटी ओके वे टॉक अबाउट तारीफ सो वट इज तारीफ एडोर्निंग समथिंग राइट एडमायरिंग सम किसी चीज का अप्रेजल ओके okay. तारीफ दैट इज अप्रेजल और फिर जब यहां पर बात आ जाती हुस्न, okay, तारीफ है हुस्न हुस्न ओके तारीफ सो दैट इज ब्यूटी आप कभी जाओ आप लबासना जाओगे ठीक है लेसर हिमालयाज एंटर करोगे मसूरी जब चढ़ जाओगे लबासना की छत पर अब उसके बाद से वहां पर से जो नजारा दिखेगा है ना वादियां आप ऊपर पहाड़ नीचे जो बादल हैं वो आपको पैरेलली दिखाई देंगे है ना आप कहोगे यार ये क्या खूबसूरत नज़ारा है लबासना, लबासना के मतलब वो जो गेट है उसको गले लगाओगे हजार बार चूमोगे और बोलोगे कि बस तुम्हारा ही तो इंतजार था तुम्हारी ही तो कमी थी है ना और जब उसके सबसे टॉप हिल एरिया पहुंचोगे तो वहां से नजारा देखोगे और दिल से निकलेगी तारीफ सबसे पहली चीज तो खुद के लिए कि थैंक थैंक यू यू गो, यू मी हेयर यू ब्रॉट मी हेयर ओके और फिर उसके बाद से वो नजारा तो क्या आप करोगे तारीफ राइट तारीफ हुस्न और शाही जगह भी है राइट तो शाही जगह भी है सो so, तारीफ okay, यहाँ की एक पेंटिंग्स की कहानी है तो याद रखिएगा प्लीज दिग्निफिकेंट इलेक्ट इज तारीफ okay, तारीफ शाही। अब थोड़ा सा असलियत यहां पे बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल के तौर पर तो एक चीज है लेकिन एक रियलिटी जो आपको देख भी रही होगी ये हुसैन है ओके okay, तारीफ हुसैन तो हुसैन का हुसन बस इतना समझ लो इसको याद रखने के लिए इतना आपको स्टेटमेंट uh, और थ्योरी काफी है सो so, तारीफ़ हुसैन हुसैन यानी कि हुस्न यानी कि शाही ओके गाइस एवरीवन क्लियर हैवेन फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट यस फॉर श्योर ओके रियली ब्रेथ टेकिंग मोमेंट होगा उस दिन ब्रेथ टेकिंग होगा लेकिन उसके पहले ब्रेथ रोकनी भी पड़ेगी कभी कभी है ना कभी कभी होगा शादियां कभी होगा बर्थडे ये सब कुछ कभी कभी त्याग करना पड़ता है ओके okay. सो so, वो थोड़ा सा त्याग और उसके बाद से ब्रेथ टेकिंग मोमेंट है ना तो फिर आ जाएगा तो तारीफ हुस्न यानी कि तारीफ हुसैन तो हुसैन साहब सच में थे तारीफ के काबिल तो तारीफ़ हुसैन तारीफ हुसन और शाही जगह तो है ही और अहमदनगर ओके सो द फर्स्ट पेंटिंग क्लियर गाइस एवरीवन याद रह जाएगा सबको यस सर वेरी गुड सर डायरेक्ट मिडिवल से स्टार्ट कर दिया ब्रदर वी आर डीलिंग आर्ट एंड कल्चर हियर वी आर नॉट डीलिंग हिस्ट्री ओके चलो अगला देखो फीमेल्स अपियरिंग इन सच पेंटिंग्स बिलोंग टू द नॉर्दर्न ट्रेडिशन ऑफ मालवा ना द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन सबसे पहला पॉइंट याद रहेगा अगर सबसे पहले पॉइंट को अगर आपने डी कोड कर लिया है दैट इज द इंफ्लुएंस ओके द इंफ्लुएंस टू द डेकन पेंटिंग्स इट वॉज फ्रॉम द प्री मुगल एरा ऑफ मालवा प्लेट्यू द मालवा रीजन ओके सो जब भी आप बात करोगे डेकन पेंटिंग्स की तो उसमें जितनी भी फीमेल्स को रिप्रेजेंट कराया गया है दे विल बी फ्रॉम नॉर्दर्न ट्रेडिशन गाइस प्लीज नोट दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट दो पेंटिंग्स आर फ्रॉम पेंटिंग साउथ बट द फीमेल दो आर रिप्रेजेंटिंग आर रिप्रेजेंटेड इन द पेंटिंग्स दे विल बी शोइंग दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द नॉर्दर्न ट्रेडिशन जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफ्लुएंस फ्रॉम दी मालवा ओके सो

नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम्स में दिखाई देती हैं जो हमें सदर्न कॉस्ट्यूम्स में भी सॉरी अपने जो आ, डेकन पेंटिंग्स हैं उनमें दिखाई देंगी उसके बाद से दीज पेंटिंग्स एग्जिबिटेड पर्शियन पर्शियन दैट इज सफावी आर्ट जिस तरीके से मुगल इंफ्लुएंस हम देख रहे हैं हर जगह तो मुगल इन्फ्लुएंस भी क्या है पर्शियन इन्फ्लुएंस ओके सो दीज पेंटिंग्स आल्सो रिप्रेजेंट दी सफावी पेंट सफावी इंफ्लुएंस दैट इज पर्शियन इंफ्लुएंस Okay, everyone. So the point to be noted, my lord, that first thing, though they are from the Deccan, but the women, those who are represented into that painting, they represent the northern tradition of costumes of Malwa. And apart from that, yes, just because of their uh, uh, this uh, influence, because of uh, uh, influence of Mughal, okay, Mughal and pre-Mughal era. So they are also representing the inf or they are also having the influence of the Safavi art. That is the

वन अगर इमेज क्लियर अगर आपको समझ में आ रहा हो अगर आपको इमेज क्लियर दिख रहा हो ओके सो दिस इज ऑल्सो शोइंग प्रेजेंटली पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये यह यहां पे सबसे पहले सामने जो है एक ओपन फील्ड है जिसमें एक वुमेन जो कि फॉर श्योर नॉर्दर्न ट्रेडिशन कपड़े पहने हुए उन्होंने हॉर्स राइडिंग और उसके पीछे पूरा गांव रिप्रेजेंट कराया गया है ओके सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दी अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग ठीक है सो अगला वाला जो हमारा होगा दैट इज दीजापुर बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग दिस इज पैटरनाइज बाय अली आदिल शाह वन ओके द बीजापुर पेंटिंग इट इज पैटरनाइज बाय अली आदिल शाह वन सो द बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग इट वॉज पैटरनाइज बाई अली अली आदिल शाह वन दक्सेसर ऑफ इब्राहिम सेकेंड सो अब ये लोग कौन है आपको अभी शायद नहीं समझ में आ रहा होगा सो डोंट वरी इन सब लोगों के नाम आप अपने मिडवल हिस्ट्री में देखने वाले ओके सो गोलकोडा के रूलर थे ओके अली आदिल शाह वन हु वॉज दक्सेसर ऑफ इब्राहिम टू So, इन्होंने बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की नींव रख ली उस तरीके से समझ लो और फिर नोटेबल वर्क इज नजूम, अल उलूम, okay? नजूम अल उलूम। ये नाम देखो याद रखना आपके लिए ऐसा कोई कंपलशन नहीं है लेकिन याद रखोगे तो मेंस में जरूर काम आएगा ओके okay? बस यहां पर लिख लोगे ना एक बार ये तो प्रिलिम्स में जब ऐसा नाम आएगा नजम अल उलूम ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो भाई साहब थे अपने बीजापुर वाले है ना तो नजम अल उलूम की अगर आप पेंटिंग देखोगे तो ये कुछ पेंटिंग ऐसी है दिस इज नोन एज द स्टार ऑफ साइंसेस ओके सो यहां पर ये कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं किस तरीके से ये कुछ ह्यूमन इवोल्यूशन शायद रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ओके सो फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर दिस पॉइंट देन अनदर पॉइंट अनदर स्टेज अनदर

पाम लीव्स की पेंटिंग हमने किस घराने में देखी है ओके okay, अभी तक हमने पढ़ा है कुछ घराने छोटे बड़े मेजर और माइनर सो so, जो भी सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से एक इनाम है और पक्का इनाम घर पे पहुंच जाएगा आपके तो जल्दी बताओ पाम लीव्स पेंटिंग हमने किस घराने में देखी है किस किसी मेजर या किसी माइनर घराने में देखी है जहां पेंटिंग्स पाम लीव पर हो रही है या पाम लीव्स को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कराया गया है पेंटिंग्स के अंदर कौन सा घराना था वो गो वैट गाइज इमीडिएटली क्विकली जल्दी से मिनिएचर पेंटिंग मिनिएचर में तो है ओके मधु यू आर स्टेटिंग इट्स पाला बाकी लोग भी जल्दी से बता दो पाला ओके आई थिंक मे बी पाला पाला ओके पाला घराना अरे कोई तो गलत जवाब दे दो यार सबने सही दे दिया ये तो देखो गलत हो गया कोई एक सही जवाब देता तब जैकपॉट मिलता ना अब सभी लोगों को कैसे इनाम मिलेगा रैंक वन तो किसी एक की होती है तो इनाम खत्म करेक्ट, पाला। ओके, सो द पेंटिंग एग्जिबिट रिच कलर स्कीम ऑब्वियसली रिच कलर स्कीम तो होगा ही होगा एनिमल्स पाम ट्रीज देन मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू द डेक्कन ट्रेडिशन ओके सो बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग दे रिप्रेजेंट मैन एंड वुमेन फ्रॉम दी डेन ट्रेडिशन पाम ट्रीज एंड रिच कलर ओके एनिमल्स वगैरह यहाँ पे सब रिप्रेजेंट कराया जा रहा है so तो अगले वाले की तरफ चलते हैं हम लोग ये हमारा देखो इस पेंटिंग का नाम है नजुम अल उलुम ओके स्टार्स ऑफ साइंस विच इज एक्चुअली शोइंग मल्टीपल थिंग्स ओके नजुम अल उलुम okay, पेंटिंग दिस इज वन ऑफ दी एग्जाम्पल्स ऑफ द बीजापुर स्कूल ऑफ मिनियचर्स सो अगला वाला है हमारा गोलकोंडा ओके द गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग अभी देखो द पैटर्न ऑफ दी गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग वर कुतुब शाही रूलर्स ओके वेन एवर इट कम्स टू दी गोलकोंडा स्कूल इट विल बी दुतुब शाही रूलर्स क्या चल रहा है भाई क्या हो गया हा पाला सही बहुत लोगों ने बोला अभी पॉइंट ऐसा है ना सबने सही जवाब दे दिया हा सब लोग खुद को ही गिफ्ट दे दो मेरी तरफ से जाओ बढ़िया सा गिफ्ट खरीद लो उस उसपे नीचे लिख देना बाई प्रवीण सर ठीक है खुद के लिए खरीद लो जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेना तो मिलजुल के जब पार्टी शार्टी करेंगे तब उस टाइम मैं आपको उस गिफ्ट का जो भी पेमेंट होगा वो करवा दूंगा फिलहाल के लिए मेरी तरफ से खुद खरीद के आप लोग रख लीजिए तो द पैटर्न ऑफ दी गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग देवर दुतुब शाही रूलर्स ओके गाइज जस्ट प्लीज डोंट वरी कि सर हमें अहमद शाह नहीं समझ में आया है ना हमें जो जितने भी ये कुतुबशाही रूलर्स हैं ये नहीं समझ में आ रहे हैं मतलब ये कौन है जस्ट रिलैक्स अभी नहीं समझ में आएंगे बिकॉज शायद आपने अभी इनके बारे में पढ़ा नहीं है लाइक like अभी मैं आपसे बोलूं जहांगीर अकबर शाहजहां औरंगजेब बहादुर शाह वगैरह इन सब का नाम आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो ओके मिडिवल हिस्ट्री आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ये सारी चीजें ना आपके लिए वहां पर एज अ कि काम करेंगी क्यों क्योंकि आपको और किक करेंगी ये सारी चीजें आपको रिकॉल होता चलेगा ओके सो जस्ट वेट वेन एवर यू स्टार्ट योर हिस्ट्री आपको ये सारे नाम वहां पर मिलेंगे कुतुबशाही रूलर्स कौन हैं ठीक है ठीके? या फिर यहां पे आपने जो दूसरा नाम देखा यहां पे अपने रे अली आदिल शाह ओके या फिर यहां पे जो दूसरा नाम था अहमद शाह ओके या निजाम शाह वन इन सब का नाम आपको वहां पर सुनाई देगा वापस से और जब भी सुनाई देगा जब भी दिखाई देगा यू विल फील लाइक कि हाँ मुझे तो इनके बारे में पता है बखूबी से अरे ये एक तो गोलकोंडा से थे ये बीजापुर वाले थे ये अहमदनगर वाले थे ऐसा करके ठीक है सो कमिंग टू द पॉइंट द फर्स्ट नोटेबल वर्क वॉज डन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह पेंटिंग शो डांसिंग ओके यहां पे डांसिंग का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कराया गया है गोलकोंडा से तो गोलकोंडा ओके okay? गोल 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 डांस करते वक्त हम लोग घूमते हैं ना कैसे गोल गोल है ना कुछ भी कर लो भांगड़ा कर लो अपना सालसा कर लो फ्रीलैंसिंग कोई सा भी डांस कर लो या मून वॉक कर लो कुछ भी कर लो है ना गरबा वगैरह खेल लो तो कैसा गोल गोल घूमते हैं है ना सो so, गोल गोल कोंडा गोलकोंडा ओके डांसिंग ठीक सो द पेंटिंग्स दे रिप्रेजेंट मेजरली वॉट डांसिंग सो देर इज अ डीप इंपैक्ट ऑफ इरानियन आर्ट ऑन दी गोलकोंडा मिनियचर पेंटिंग ईरान से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ईरान मतलब फिर से बन सके ना आप समझ लो इन्होंने कुछ सफावी ही बोलना चाह रहे हैं ठीक फिर उसके बाद से टू मोर नोटेबल पेंटिंग्स अमंग गोलकोंडा पेंटिंग्स आर द लेडी विथ माइना बर्ड एंड लेडी स्मोकिंग हुक्का तो अभी कैसा मूवीज में आता है ना नीचे जब भी कुछ भी स्मोकिंग या लिकर की बात आती है हो वगैरह की बात होती तो नीचे लिकर डिस्क्लेमर में आ जाता है दैट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ स्मोकिंग कॉजेज कैंसर तो आप समझ लो आपके यूट्यूब में नीचे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कहीं पे लिखा भी हुआ है स्मोकिंग इज इंजुरियस फॉर हेल्थ ओके वी शुड रिफ्रेन लिकर एंड एवरीथिंग तो ये दो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स की बात हो रही है लेडी विथ माइना बर्ड एंड लेडी स्मोकिंग हुक्का तो ये कहाँ के हैं गोलकोंडा अब डांस वांस होगा तो हुक्का भी चलेगा ही ना सो so, पेंटिंग कुछ ऐसी है राइट सो द लेडी स्मोकिंग हुक्का सो राइट नाउ यू कैन ऑल्सो सी द रिचनेस ऑफ कलर मतलब पेंटिंग देख के खुद तुमको लगेगा यार क्या बेहतरीन नजारा है पेंटिंग का चेहरा पूरे बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कराया गया कोई भी उसमें उसको फैंटेसाइज नहीं किया गया है कपड़े ज्वेलरी एंड एवरीथिंग एंड यस दिस हुक्का ओके इट इज रिप्रेजेंटेड ओके गाइस, एवरीवन, क्लियर जी सर स्क्रीन <coughs> भी घूमने लगी घूमर घूमर वेरी गुड हाँ, तुम लोग मेरे को बता देना क्या गिफ्ट लिया है ओके सो रियल लग रहा है ना सो वन ऑफ दी प्रोमिनेंट फीचर वन ऑफ प्रोमिनेंट पेंटिंग्स ऑफ दी गोलकोंडा द लेडी स्मोकिंग हुक्का ओके और उसके बाद से एक पेंटिंग और है वो, वो बहुत ज्यादा क्लियर तो हमें नहीं मिली दैट इज दी विद हाइना बर्ड ओके बट दिस इज नॉट वेरी रियलिस्टिक पेंटिंग जो ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल हमें दे सकता है वो बेहतरीन एग्जाम्पल वो कहा है वो यहीं से मिलता है दैट इज लेडी स्मोकिंग हुक्का ओके क्लियर गाइस एवरी वन यस सर ऑल ओके ऑल क्लियर ब्यूटीफुल पेंटिंग चलो ठीक है रियल लग रहा है ओके ठीक है सो so, देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक बात को समझ लो जो अपना सब्जेक्ट हम जो डील कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर इसमें छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स जिसमें बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा है ओके okay? लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है देखो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट ओके सो जस्ट देखो कुछ पर्टिकुलर चीजों में लाइक फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स में आपको थोड़ा डेटा ज्यादा लग रहा होगा बट आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें डेटा आपको इतना टेंशन नहीं देगा है ना लेकिन पॉइंट इज पेंटिंग्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ यूपीएससी सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन टू द पेंटिंग्स विद रिगार्ड टू द स्मॉलर पॉइंट्स बिकॉज हम चाहते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आए कोई सा भी क्वेश्चन आए माइन्यूट डिटेल से या कुछ बड़े शॉर्टर डिटेल से ऐसा कुछ या मेजर डिटेल्स से आपके पास वहां पर डेटा जरूर अवेलेबल हो तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही होंगे okay. so, दो -चार रटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हाँ उनको रटना रटने का ना एक टेक्निक है क्योंकि समझाने वाला पोर्शन में आपको क्लास में करा चुका हूं उसको रिकॉल करने का ना एक टेक्निक है जिस पेज पे भी आपने लिखा है उसको एक ग्लास में डालो पानी भरो और पी जाओ. वो रिकॉल रहेगा है ना अनरियलिस्टिक चलो रियलिस्टिक कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा एक ऐसा थोड़ा सा ना आप स्टिकी नोट्स टाइप बना लो या वो जिस पेज पे लिखा है उसी पेज को फाड़ के के ना जहां जहां पर भी आप बैठ पढ़ाई कर रहे हो जहां पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चिपकाया होगा हिस्ट्री के डेट्स चिपकाए होंगे वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप फिजिकल पॉलिटिकल मैप्स वगैरह चिपकाए होंगे वहां पर थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक सेक्शन और बना दो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के मिनिएचर्स और जो म्यूरल्स हैं उनका वन तो लाइनर्स में है लिखा रहना ना वो आपकी नजरों के सामने रहेंगे दो चार पांच छह दिन सात दिन उनको लगातार देखोगे ना वो दिमाग में फीड हो जाएंगे फॉर श्योर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डाउट ओके क्योंकि इमेजेस आपके सामने हैं स्लाइड्स आप देख रहे हो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट कर रहे हो और जितनी भी चीजें है करने की हैं हम वो डीकोड भी कर रहे हैं क्लास में सो आई डोंट थिंक सो इसके ऊपर आपके जहन में कोई सा भी ऐसा कंफ्यूजन होना चाहिए कि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. रिकॉल कर लेंगे डोंट वरी हमारा जो अगला सेशन होगा ना हम उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे अभी तक का अपने जो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे सो so दैट उसके आगे हमारे पास रिकॉल करने के लिए क्वेश्चंस भी बन जाएं क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे सो डोंट वरी मैं क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आऊंगा और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग डिस्कस भी करेंगे ओके एवरी वन एनी डाउट जल्दी से बताओ सब सॉर्टेड है थैंक यू श्रुति थैंक यू फॉर दैट ओके मेक ब्यूटिफुल नोट्स ऑफ इट एप्सोल्यूटली सर फिर लिखना होगा अगर पी लिया तो अरे पी लो मतलब कि ऐसा सच में नहीं पानी में डालो ग्लास में और पी जाओ ऐसा करना नहीं तबीयत ख़राब हो जाएगी बाद में मेरे पास आओगे सर आपने बोला मैंने ऐसे ग्लास में डाल के कागज खा लिया अरे नहीं वो थोड़ा सा बस मजाक कर रहा था ठीक है रियलिटी पे बात करते हैं तो घोल के मिलाकर पी जाने का मतलब ये है जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो ना वहां पे चिपका लो वो तो उठते बैठते जब भी पढ़ने बैठोगे सामने दिखाई देगा आपको अच्छा कुली शाह है ना यहां पर क्या नाम लिखा है देखो किन का नाम लिखा है कुतुब शाही रूलर्स है ना यहाँ पर क्या नाम लिखा है कुली कुतुब शाह है ना आ जाएगा निजाम शाह ये सब आ जाएंगे तो सामने दिखाई देंगे अच्छा निजाम शाह ओके कुतुब शाही रूलर्स ओके डांसिंग कहां चल रही है गोलकोंडा गोल गोल घूमर घूमर बफर भी करने लग गया था बीच में उसी जमाने में आप लोगों ने टाइप भी किया है बफ बफ ओके फिर उसी के बाद अपना अहमदनगर आ जाएगा या किशनगढ़ आ जाएगा फार पेंटिंग्स कुछ भी आ जाएगा आई डोंट थिंक तीन चार पेजेस से ज्यादा होगा वन लाइनर्स है ना बल्कि ज्यादा ही होगा uh, मतलब कमी होगा ओके okay. सो so, इनको चिपका लो सामने दिखेगा एक हफ्ते के अंदर बोलोगे सर सब रख लिया टेंशन नहीं है तो डोन्ट वरी अपना अगला जो सेशन हम रखेंगे ना वो आगे की पेंटिंग से पहले हम लोग पिछली पेंटिंग्स हमने जितनी भी पढ़ी है अभी उनके ऊपर करेंगे क्वेश्चन आंसर ओके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ उसके बाद से जो भी डाउट दिमाग में चल रोंगे कि नहीं समझ में आ रहा है वो सब समझ में आ जाएगा इन जस्ट वन हैं उनका सब रिकॉलिंग सब आ जाएगा है, उसकी में 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 बूस्ट हो जाएगी अभी, कैसा, अब सर बस GB, अभी अगली क्लास में देखो एक सौ हो जाना है ऐसे करते करते आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजने पूरा एक टीबी का हार्ड डिस्क बना दूंगा डेटा भरते जाओ खत्म ही नहीं होगा स्पेस ठीक है ऑल क्लियर गाइस कोई डाउट थैंक यू सलोनी हाँ हो जाएगा मेरे भाई हमें टेंशन मत लो ओके okay. स्कूल में चीटिंग का तो काफी खाया है यूपीएससी में नहीं करना वरना उसके अलावा भी बहुत कुछ खाना पड़ जाएगा ओके okay. काश ऐसा घोल के पी जाने वाला होता ठीक है डाउट प्लीज रिप्लाई मी वॉट्स एंड जब भी एक पर्टिकुलर टाइम की उन्नीस सौ सत्तर इकहत्तर पर्टिकुलर टाइम है जब भी हम बात करते हैं सेवनटीज है। तो सेवेंटीज में आने वाले सारे टाइम लाइक 74 ये सारे 1970s हो गए 1980s 80s मतलब एटी एटी वन एटी टू से लेके एटी नाइन तक का वो जो दशक है एटी से लेके एटी जहां तक भी एटी वर्ड आ रहा है तो it is 1980s या okay, ठीक है? No okay. okay. okay, so, आज के लिए हम यहीं तक रुकेंगे गो अपनी गोलकोंडा पेंटिंग्स तक तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं जानने से पहले सो द गोलकोंडा पेंटिंग से शुरुआत करते हैं सो द प्रोमिनेंट रूलर्स देवर दी कुतुबशाही रूलर्स फिर सबसे ज्यादा जो इसने स्पार्क किया है वहां पे वो है कुली कुतुब शाह ओके फिर डांस गोल गोल ओके गोलकोंडा डांस अब डांस हो रहा है भाई तो थोड़ा सा मतलब नशे वशे तो करने ही होंगे तो लेडी स्मोकिंग हुक्का एंड द लेडी विद दी माइना बर्ड ओके फिर उसके बाद से पिछला वाला अपना कौन सा है दैट इज दी बीजापुर ओके, सो अली अली आदिल शाह फिर सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग नजुम अल उलुम, ओके अल स्टार्स ऑफ़ साइंसेस, ओके, सो ये सब पेंटिंग्स थी यहां पे हमारी बीजापुर की फिर उसके बाद अहमदनगर ओके okay. द अहमदनगर स्कूल दैट इज द प्रोमिनेंट वन इट इज द रूलर निजाम शाह वन फिर तारीफ हुसैन शाही जिसको आपने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है तारीफ ओके सो हुसैन साहब का हुन सच में कमाल का था ओके नॉट फिजिकली बट यस विद रिगार्ड टू द ब्रेन एंड टू एंड टू द टैलेंट एंड एवरी थिंग ओके सो तारीफ हुसैन शाही एक कहानी फिर उसके बाद से द पेंटिंग्स बिलोंग टू नॉर्दर्न ट्रेडिशन दो दे आर फ्रॉम द साउथ बट दॉर्दर्न ट्रेडिशन ओके का अब फिर उसके बाद से डेकन पेंटिंग्स की शुरुआत की जो कहानी है वो आपने क्या देखी है प्री मुगल इंफ्लुंसिस अपार्ट फ्रॉम दैट विजयनगर पेंटिंग्स द विजयनगर एम्पायर विजयनगर पेंटिंग्स को हम सेपरेटली देखेंगे भी डोंट वरी सो रिच इन कलर्स दैट इज सारे कलर्स जितने भी हैं ब्रिलियंटली वहां पे रिप्रेजेंट कराए जा रहे हैं और फिर साथ ही साथ हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो क्या है दैट इज दैग ओके बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा तो साउथ इंडिया में घूमने जाएंगे तो बड़ा वाला बैग लेकर जाना पड़ेगा ना भाई साउथ जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम चले आएंगे तुरंत भाई बस सबेरे को गए ऊटी घूमे शाम को रिटर्न चले आए नहीं अब साउथ जाएंगे तो भाई हम सब देखेंगे ना पूरा रामेश्वरम भी देखेंगे जहां पर चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख ने ट्रेन रुकवाई थी देखेंगे वहां पे वॉटर फॉल्स है ना हम्टी फॉल्स भी जाएंगे सब जगह जाएंगे राजा रानी फॉल्स भी देखेंगे फिर पूरा हम घूम लेंगे अपना कन्याकुमारी वगैरह ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट तो लेकर जाना पड़ेगा लंबा चौड़ा बैग डेढ़ दो महीने का प्रॉपर लंबा टूर होगा मैं तो कह रहा हूं अभी चलो निकलते हैं ठीक है घूम फिर के आएंगे प्रिलम्स जब होगा देखा जाएगा ओके सो वहां पे क्या बड़ा वाला बैग लेकर जाना पड़ेगा तो बड़ा वाला बैग बोले तो बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा ओके गाइस सॉर्टेड क्लियर प्रिलिम्स कब तक हो सकता है सत्ताईस जून को हो रहा है ओके okay? सब समझ गए अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं थैंक यू डियर। ओके गाइस, ऑल क्लियर एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे अगली क्लास में अगला चैप्टर शुरू करने से पहले पिछले वाले सेक्शंस का एमसीक्यूज करते हैं कुछ एमसीक्यूज और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसमें और भी चीजें हमें क्लियर आउट हो जाएंगी ओके सो तो चलो खाओ पियो मस्त आराम से अभी सीसेट पढ़ने का भी टाइम हो रहा है आपके लिए तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे बाय बाय जय हिंद खुदाफिस